डे वन 2005 में जब ये इमेजेस बाजार का आइडिया आया था, ये जो वेबसाइट है इस पे काम शुरू हुआ। एक साल तक दिन रात इसके ऊपर काम चलता रहा। और एक साल बाद में 2006 में जब इसको लॉन्च किया तो इट वॉज अ कंप्लीट डिजास्टर, इट वॉज अ फेलियर। मैं रोज की तरह वॉलीबॉल खेला अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसके बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड, वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, हम दोनों रात को वॉक करते थे 11 बजे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, चक्कर क्या है? मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है, जिस दिन ऐसा कुछ होता है, जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता, उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज रात को पिछले 4 साल से मैं गाना सुनता हूँ। तो मैंने कहा यार उससे क्या होता है? कहता है अभी बताता हूँ क्या होता है, लेकिन कहता है मैं देखो गाना नहीं बता सकता कौन सा है, तू बहुत हंसेगा यार, तू मजाक उड़ाएगा मेरा। मैं कहा नहीं नहीं बोलना कौन सा गाना है। कहता मुसू मुसू हंसी देव में लई लई। इस गाने की खास बात यह है, इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी, मतलब इसमें कोई भी पुराने एक्टर्स नहीं थे, सारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। तो कहता है मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने आगे ना एक सिचुएशन को इमेजिन करता हूँ कि हम एक मूवी थिएटर में बैठे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ में हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं, तू है, मैं हूँ, हम सब लोग हैं और उस बड़ी स्क्रीन पे मैं हूँ। So, ये जो छोटी सी चीज सुनने में लग रही थी, ये मेरे को समझ आ गई थी कि कुछ बड़ा है इसके अंदर। मैं इमीडिएटली घर गया, मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना, मैं 50 बार सुनूंगा एक दिन में, देखता हूँ क्या होता है। क्योंकि मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीजों को। मैंने एक बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। किसने पढ़ी है यहाँ पे? पढ़ी है, ओके। सो उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा छोड़ना इमेजिनेशन चैप्टर, पढ़ा और आगे निकल गया। सुना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा लेकिन आगे निकल गया। लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने अपने दोस्त को ये करते हुए देखा तो मैंने कहा करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। घर गया, जा करके एक सीडी पड़ी हुई थी, ऑडियो सीडी ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था, उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके पागलों की तरह। मतलब शुरू में मैं एक बार सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, धीरे धीरे फील आने लगी, धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी चल रही है, कुछ हो रहा है। और मैं सिर्फ एक ही चीज इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके, उसको प्ले कर देता था लूप में बार बार, और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था। वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेजेस बाजार, वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है। उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी, मतलब एक सिंपल सर्च क्वेरी भी 1 मिनट 2 मिनट लगा देती थी और जब ज्यादा ट्रैफिक आया था तो साइट डाउन हो जाती थी कई कई घंटे के लिए। जिस वजह से, क्योंकि साइट डाउन रहती थी तो कोई आता ही नहीं था, या साइट इतनी स्लो थी इसलिए कोई नहीं आता था। तो मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की, और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके। मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा, कैसे होगा, करता रहा। तो तीसरे दिन रात को 11:30 बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी, घर वाले सब सो चुके थे, मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीख चीख करके, डू यू वॉन्ट मी टू सिंग दैट, यस और नो, यस और नो, ओके। तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, बाद में मत बोलना कि वॉर्न नहीं किया था मेरे को। रोके तुझको आंधियां, क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। बड़ी अजीब सी लगी ये बातें सुनने में, लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसी अजीब अजीब चीजों में बहुत मजा आता है। तो ये जब किया, उधर से बाहर से मेरी मदर की आवाज आई, संदीप बेटे तुम अकेले नहीं रहते इस घर में। सुबह 6 बजे मेरी नींद खुली, मैंने ठान लिया, मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं घर नहीं आऊंगा, मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा। 8 दिन तक
पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, क्या नहीं। और ढूंढते धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माई ओन। आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स, आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे इस बात को। डेटाबेस जो डिज़ाइन था हमारी, जो पूरा का पूरा जो पीछे का स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल बेकार था। तो मैंने जब वो सारा कुछ किया, डेटाबेस डिज़ाइन बनाया, पेपर पे ही अपना पेन पेपर ले करके, ये सब करने के बाद में क्या हुआ, वो जा करके मैं अपनी प्रोग्रामिंग टीम के साथ बैठा, उनको बोला कि ये हमको करना है। उसके बाद में उनको बताया कि इस चीज़ को ऐसे प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करो, दिस वॉज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, बहुत चीज़ें हुई। 15 दिन बाद वो साइट लॉन्च हुई वापस से रिवैम्प करके, और अब की बार वो साइट नहीं रुकी, चल रही थी। तो वो जो चीज़ 2 मिनट लग रही थी, 1 मिनट लग रहा था, इट केम डाउन टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। और जैसे ये चीज़ हुई, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ट्रैफिक आ गया साइट के ऊपर, लोग आने शुरू हो गए, सेल्स होनी शुरू हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, सारी प्रॉब्लम जैसे कभी थी ही नहीं ऐसा लगने लग गया। डे टू, हम फैमिली के साथ सब लोग बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। इट वॉज इन द ईयर 2007। अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था मेरे, देयर वाज समथिंग विच वाज गोइंग ऑन। और वो क्या था कि हमारा जो बिजनेस था, ये जो इमेजेस बाजार था, ये ना ग्रो नहीं कर पा रहा था। इट वॉज काइंड ऑफ स्टक एट द सेम लेवल। जैसे जो सेल्स, जब साइट ठीक हुई उसके बाद एकदम से ऐसे गई, देन इट वॉज मूविंग लाइक दिस, एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह, मतलब इट वॉज नॉट गोइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं हो रहा था। उस रेस्टोरेंट से जब खाना खा के हम नीचे उतरे, तो मैं गया उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास में, जिनको हम प्यार से मामा बोलते थे, मैं और मेरे सारे दोस्त, उनके पास में गया। मैंने कहा, मामा यार एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे एरिया में पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स खुले होंगे, उसमें से बहुत सारे तो बंद हो गए, और कुछ हैं जो धक्का दे दे करके चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन आप हो, आपने एक छोटे से सेटअप से शुरू किया था, एक सिंगल छोटी सी दुकान से, और आज आपने इतना एक्सपैंड कर लिया, मतलब पहले एक दुकान थी, अब आपकी ऊपर इतनी सारी दुकानें ले ली आपने, 2 फ्लोर्स ले लिए, और आप एक्सपैंड करते ही जा रहे हो, इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो, भाई चक्कर क्या है, क्या चक्कर है, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना कहानी। तो जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, उन्होंने कहा, अरे बेटा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं कहा, नहीं मामा, कुछ ना कुछ है, कुछ तो है, मतलब मैं नहीं मान सकता कि ऐसे ही, मतलब ये तुक्का नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मैंने उनके मुंह पे बोला, मैंने कहा, ऐसा भी नहीं है कि आपका जो खाना है वो बहुत टेस्टी है। मैं कहा, तेरा लॉट ऑफ अदर रेस्टोरेंट्स जिनका खाना आपसे अच्छा है, फिर भी वो इतना नहीं चल रहे। कहते, लगता है तू नहीं मानने वाला। मैंने कहा, नहीं। कहते, 1 घंटे बाद आइए, फिर बताऊंगा। तो मैं अपने घर वालों को ड्रॉप करके आया, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत काउंटर समेटा, ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगे, मैं और वो दोनों गए उनकी किचन में चले गए। फिर उन्होंने जा करके अपने आदमियों से बोला, जो भी वहाँ पे किचन में काम कर रहे थे, हाँ भाई हो गया सबका, चलो समेटो फिर। 3 लोग, उन्होंने 3 बड़े बड़े भगोने उठाए, पतीले होते हैं भगोने, बड़े बड़े बोल, उसमें एक में दाल मखनी थी, एक में ग्रेवी थी, एक में थोड़ा डार्क से कलर की ग्रेवी थी, वो उठाए और बाहर निकल गए, वहाँ से नीचे सीढ़ियों पर जाने लग गए, नीचे उतरने लग गए, नीचे गए, सड़क पर चले गए, मैं भी पीछे पीछे। मैंने कहा, देखता हूँ भाई क्या चक्कर है, क्या कहानी है। सड़क पर जा करके उन्होंने 3ों ने वो ले जा करके नाली में डाल दिया। देखो समझ नहीं आया मेरे को, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने कहा, ये क्या है मामा, ये इससे आपकी सक्सेस का क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं हिल गया, कि मैं हर रोज अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं। उन्होंने बोला और वहां से चले गए, मैं वहीं खड़ा रह गया। मैं सोच रहा था, मैंने कहा इसका क्या मतलब है। मैं घर गया, नींद नहीं आ रही थी, सोचता रहा, दिमाग चल रहा था। मैंने कहा इसको ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा, एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा। तो उसका पहला पार्ट कि मैं हर रोज, मैंने कहा समझ आता है इसका मतलब, यहां तक समझ आता है, अपनी तसल्ली के लिए। ये सेकंड पार्ट था उसका,
मतलब के वो ये जो कर रहे हैं वो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी और की तसल्ली के लिए नहीं कर रहे। कोई और कौन? मैं, जो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं, या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग, मतलब कि उनके कस्टमर्स। यहां पे बात कर रहे हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, ये अपनी तसल्ली की बात कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे। और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा हमारी प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, इमेजेस बाजार की प्रॉब्लम क्या है, कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जा करके रुक गए हैं, अटक गए हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया, शांति से बैठ जाओ ना। तो इस वजह से हम शांति से बैठे हुए थे, हमने कहा हाँ सब सही है सही है सही है। तो यहां पे समझ आने लगा, मेरे को समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है। और उसका जो लास्ट पार्ट था उनके डायलॉग का, कि मैं अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं, इस डायलॉग ने मुझे हिला के रख दिया अंदर तक। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था हमारी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में क्या होता है कि अगर हम एक स्कूटर भी खरीदते हैं ना, तो उसकी जो पॉलिथिन है वो एक महीने बाद उतारते हैं। मतलब इतना हम पैसे को बचा बचा करके चलते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है, सीखी है बचपन से आज तक, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न्ड, कि बेटे पैसे को बचाओ पैसे को बचाओ। तो इस तरीके से मैं चल रहा था। और दूसरी तरफ ये आदमी क्या बोल रहे थे कि पैसे को नाली में बहा दो। समझ आया, मैंने कहा कि ये ही दम चाहिए, ये करना है किसी तरीके से, और अगर मैंने ये कर दिया तो काम हो गया। मैं गया जा करके अपने ऑफिस में सबकी मीटिंग बुलाई, जा करके उनको बोला, मैंने कहा अब से हमें अपने पैसे को नाली में बहाना है। तो सब मेरी शक्ल देख रहे बैठ करके, कहते हैं क्या बोल रहे हैं। मैं कहा ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझाता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें अब से अपने सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचना है। तुम्हारा सेटिस्फैक्शन, मेरा सेटिस्फैक्शन, हमारा सेटिस्फैक्शन। एक दिन में हम अगर 100 इमेजेस भी शूट कर सकते होंगे तो हम सिर्फ 25-30 इमेजेस करेंगे, लेकिन वो 25-30 इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि आंखें फट जाएं देख करके, तुम्हारी भी और मेरी भी। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हें किस तरह का शूट करने में मजा आएगा, ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम्हें मजा आए। छोड़ो क्लाइंट को, छोड़ो मुझे, पैसा कितना भी लग जाए बह जाए कोई टेंशन नहीं। कहते सबसे पहले हमको फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए लेने होंगे। अभी हम इंडियन यूज कर रहे हैं ज्यादातर, लाइट्स और ये वो सारी चीजें। कहते वो अगर हम इंटरनेशनल ले लेते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है। मैंने कहा ले लो, डन। मैंने कहा कल ही लो, परसों तक भी नहीं रुकेंगे। वो हो गया। मैंने कहा और क्या कर सकते हैं? कहते और हम जो लोकेशंस हायर करते हैं अपने शूट के लिए, वो अभी हमारा एक बजट है 5-7 हज़ार रुपए का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं। मैंने कहा कितना बढ़ाना है? कहते 20-25 हज़ार रुपए में बहुत अच्छी लोकेशंस आ सकती है। मैंने कहा करो। मैंने कहा इंडिया से हम फॉरेन में मॉडल्स लेकर के जाएंगे, वहां जाकर के शूट करेंगे, करो। ऐसे हर चीज का बजट बढ़ा दिया। एक्साइटमेंट किस लेवल पे था, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। उस टाइम पूरी की पूरी टीम का, सबको इतना मजा आ रहा था। रोज एक ऐसा शूट निकल के आ रहा था जो पहले वाले से लाख गुना बेटर था। 2 महीने बाद पूरी की पूरी ये नई कलेक्शन हमने लॉन्च करी अपनी साइट पे, एंड यू वोंट बिलीव इट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर हमारी साइट पे, जब मैंने पीछे एनालिटिक्स से देखा, ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया, 10 टाइम्स इन 1 मंथ।